जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको अवगत कराया जाएगा। निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार 5 को संभव, 23 मंत्री ले सकते हैं शपथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल में फिर विस्तार करने जा रहे हैं। शिवराज कैबिनेट के इस विस्तार में 23 मंत्री शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम राष्ट्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश संगठन के नेताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं। 3 मई को कई शहरों में चरणबद्ध रूप से लॉकडाउन खोला जाएगा और 5 मई को मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना है। आपको बता दें शिवराज सिंह ने 23 मार्च को सीएम पद की शपथ ली थी, इसके बाद कोरोना संकट के चलते उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया था। करीब 28 दिन बाद उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया था, इसमें सिर्फ 5 लोगों को शामिल किया गया था। आपको बता दें उस समय सीएम ने कहा था कि लॉकडाउन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। सूत्रों की माने तो सीएम ने संगठन नेताओं से चर्चा के बाद 5 मई या उसके आसपास मंत्रिमंडल का विस्तार तय किया गया, इसमें किसे स्थान दिया जाए इस पर मंथन हो रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सिंधिया समर्थक कर रहे इंतजार, मंत्री पद पाने के लिए सबसे ज्यादा बेचैन पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और कांग्रेस से भाजपा में आए नेता। कमलनाथ सरकार में सिंधिया समर्थक 6 नेता मंत्री थे, इनमें से तुलसी सिलावट व गोविंद राजपूत को मंत्रिमंडल में स्थान मिल चुका है। से 4 इमरती देवी, महेंद्र सिंह, प्रद्युम्न सिंह और प्रभुराम चौधरी अभी कतार में, इनमें से अधिकांश नेता सीएम से मुलाकात भी कर चुके। इसके अलावा एदल सिंह, अरदीप बी साहूलाल सिंह, राजवर्धन सिंह नंदीगांव भी मंत्री पद के दावेदार हैं। 3 मई के बाद ग्रीन जून वाले जिलों में खुलेगी दुकानें, शुरू होगी व्यापारिक गतिविधियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रदेश के धीरे धीरे कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है, इससे देखते हुए राज्य सरकार ग्रीन जून वाले जिलों में दुकानें खोलने और औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने सभी जिलों में विस्तृत रिपोर्ट बुलाई गई। रिपोर्ट पर कल मंत्री और अधिकारी से चर्चा करेंगे, इसके बाद में विस्तृत सुझाव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद तय होगा कि 3 मई के बाद में प्रदेश के किन किन जिलों में कौन कौन सी गतिविधियां संचालित होगी। आपको बता दें रेड जोन वाले 3 जिलों में भोपाल, इंदौर व उज्जैन लॉकडाउन बढ़ाया जाना तय है। इंदौर में आज जिला प्रशासन की अधिकारियों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताई कोरोना के आंकड़े अब रात बढ़े। आज भोपाल में 15, इंदौर में 11, उज्जैन में 11 पॉजिटिव आए। 41,000 टेस्ट में से 2,025 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और जिसमें प्रदेश में सरकार कोरोना नियंत्रण की ओर बढ़ रही है। ग्रीन जोन वाले जिलों में संख्या बढ़ रही है। 3 मई से ग्रीन जोन वाले जिलों में छोटे बाजार और उद्योग शुरू होंगे। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कल मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ग्रीन जोन वाले जिलों में ये होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खुलने की अनुमति दी जाएगी। भीड़ नियंत्रण करने के लिए दुकानों का समय बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें शराब दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी और मॉल, स्कूल, सिनेमा घर यहाँ पर नहीं खुलेंगे। इसके बाद में कलेक्टर शादी की अनुमति देंगे, लेकिन शादी में शामिल होने वाले संख्या 8 से 10 की होगी। आपको बता दें ग्रामीण क्षेत्रों की सभी दुकानें व कारखाने खुलेंगे और जिले के भीतर निजी वाहनों के आने जाने की अनुमति दी जाएगी। सीएम आज किसानों को 2990 करोड़ रुपए ऑनलाइन भेजेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को दोपहर 3 बजे किसानों को कुल 2,990 करोड़ फसल बीमा राशि का ऑनलाइन भुगतान करेंगे। इससे प्रदेश में 14,93,173 किसान लंबित होंगे। कृषि मंत्री कंवल पटेल ने बताया कि 8,33,000 किसानों को खरीफ फसल की बीमा राशि के रूप में 1930 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे। ऐसे ही 6,40,000 किसानों को रबी फसल की बीमा राशि के रूप में 1,060 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम करे सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम अत्यंत कम हो गए, इसलिए सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम करनी चाहिए। इसमें किसानों, उद्योगों और आम जनता को राहत मिलेगी। उचित दाम नहीं मिलने से किसान परेशान। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के किसानों की परेशानी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। आपको बता दें पत्र में उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की हालत खराब है। किसानों को मक्का और प्याज की फसलों को उचित दाम यहां पर नहीं मिल पा रहा है। मूंग की फसल आ गई, लेकिन खरीदी की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने सीएम को किसानों की समस्या के निराकरण के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। प्रदेश में रात 12 बजे तक दुकानें खोलने की तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें श्रमिकों और दुकानदारों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने श्रम कानून में संशोधन करने जा रही है। वर्तमान कोरोना संकट के समय प्रदेश में कारखानों में शिफ्ट का समय 12 घंटे तक यहां पर करने की छूट दी गई। ऐसे ही दुकानदारों की सुविधा के लिए दुकानें के लिए बंद होने का समय रात 12 बजे
किया जा सकता है। आपको बता दें सरकार दुकानें सुबह 6 से रात 12 बजे तक खोलने का विचार कर रही है। इसके लिए श्रम कानून में बदलाव किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में श्रम विभाग की श्रम सुधार संबंधी बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए। आपको बता दें उन्होंने कहा कि हमें जो अपने श्रम कानूनों में इस प्रकार का सुधार करने हैं जिससे प्रदेश के निवेश को लाने में बाधा नहीं बने, साथ ही मजदूरों के कल्याण का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा सुझाव गए सुधारों और अन्य राज्यों में श्रम कानून को अध्ययन कर प्रदेश में बेहतर से बेहतर प्रावधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कोरोना संकट के कारण चीन जैसे देशों में कई उद्योग छोड़कर जा रहे हैं, वे अपने उद्योग अन्य क्षेत्रों में स्थापित करेंगे। आपको बता दें ये हमारे लिए अवसर है, हम अपने श्रम कानून और औद्योगिक नीति ऐसी रखें जिससे प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित हो। दीपक बावरिया ने दिया इस्तीफा, वासनिक बने प्रदेश के प्रभारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया ने स्वास्थ्य कारणों से चलते मध्य प्रदेश के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया गया। आपको बता दें बावरिया ने इस तरह पार्टी ने महासचिव मुकुल वासनिक को नई यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। वासनिक का पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के साथ तालमेल पहले से ही बना हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव पद से दीपक बावरिया यहाँ को हटा दिया। अब AICC बावरिया ने इस्तीफा मिलने के बाद यहां पे केरला, तमिलनाडु एवं जो पुंडुचेरी प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी सौंपी है। इस फेरबदल में प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव जोड़कर देखा जा रहा है। उधर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर दीपक बावरिया ने प्रदेश प्रभारी के पद से अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पार्टी में उन्हें आज यहां पर स्वीकार नहीं किया गया था। परंतु अब साल यहां पर गुजर जाने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने जो बावरिया ने इस्तीफा लेकर जो वासनिक को यहां पर जिम्मा सौंपा है। ट्रेन शुरू होने से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने रेलवे ने शुरू की तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन खत्म होने के बाद कम से यहां पे ट्रेनें शुरू होगी, इसको लेकर अभी भी यहां पे सही है बरकरार है। रेलवे अधिकारी अभी कुछ भी कहने से बच रहे, लेकिन इस बीच रेलवे ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसमें 3 मई के बाद में जब भी ट्रेनें शुरू होगी इस दौरान कैसे यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकेगा इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर भोपाल रेल मंडल के अधिकारी आवश्यक सामग्री खरीदने की प्लानिंग में जुट गए हैं। इसमें स्टेशन पर यात्रियों को बेवजह रोकने के लिए एक प्रवेश द्वार बनाए जाने के बैरिकेड्स व रस्सी से अन्य गेट व हिस्सों को कवर यहाँ पर किया जाएगा, जिसको लेकर यह सामग्री खरीदे जाने की योजना है। रेलवे कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाव से बचाने के लिए ट्रेन व स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षा दूसरे चरण की उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन 2 मई से। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अब तक हो चुके 10वीं और 12वीं के बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी है। दूसरे चरण हुई परीक्षा की उत्तर पुस्तिका लॉकडाउन के कारण संकलित यहां पर नहीं हो सकी थी, वे संबंधित थानों में यहां पर रखी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2 मई से इनके संकलन का निर्णय लिया गया। 4 मई से संबंधित मूल्यांकन केंद्रों को भेजने के निर्देश कलेक्टर को दिए गए हैं। इसके लिए 25,000 की स्वीकृति यहां पर दे दी गई है। बता दें द्वितीय चरण की हाईस्कूल में 19 मार्च को द्वितीय व तृतीय अंग्रेजी एवं हाई सेकेंडरी में 18 मार्च को जो ड्राइंग एंड डिजाइनिंग व 19 को उर्दू विशिष्ट की परीक्षा हुई थी, जिसको यहां पे उत्तर पुस्तिका संबंधित थानों में रखी है। संकट में सरकार ने जारी की राशि, रसोइयों के खातों में 42 करोड़, किसानों को 2,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अभी स्कूल बंद है, इसलिए मध्यान्ह भोजन बनाने वालों को दिए 2,000 रुपए। कोरोना संकट में सरकार हर तबके तक आर्थिक मदद पहुंचा रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यान्ह भोजन बनाने वाले 2,10,000 रसोइयों को बैंक खातों में अप्रैल के मानदेय की राशि 42 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की है। आपको बता दें इस समय स्कूल बंद है, हर रसोई खाते में 2,000 रुपए राशि ट्रांसफर की गई। वही गेहूँ खरीदी की समीक्षा में शिवराज ने बताया कि अब तक 5,65,000 किसानों में से 28 लाख जो मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया, किसानों को 2,000 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया गया है। दूसरे प्रदेशों में फंसे लोगों को लाने के लिए केंद्र चलाएगा 400 विशेष ट्रेन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हाल में ही केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को यहां पर लाने के लिए बसों को चलाने की इजाज़त दी थी, और इस रूप के बाद बसों का परिचालन शुरू होने से पहले ही कुछ राज्यों ने केंद्र से स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग यहां पर कर दी है। आपको बता दें ताकि बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाना संभव हो सके। हालांकि 4 मई से सीमित संख्या में रेल सेवा शुरू करने की योजना पुष्टि केंद्र सरकार ने नहीं की है। इसके बावजूद यह माना जा रहा है कि केंद्र दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को राहत देने के लिए यह सेवा शुरू कर सकती है। सूत्रों की माने तो रेल मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेनें चलाने को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें इस योजना के तहत हर रोज 400 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती है। इन्हें जरूरत के मुताबिक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 1,000 तक बढ़ाया भी जा सकता है।
अब निजी स्कूलों को भी मिलेगी शैक्षणिक सामग्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लोक शिक्षा संचालन आयुक्त जयश्री कियावत ने गुरुवार को प्रदेश भर के निजी स्कूलों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। उन्होंने कहा विभाग द्वारा 13 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में डिजी लैब कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके माध्यम से स्कूल स्तर विद्यार्थी के समूह बनाकर योजना शैक्षणिक सामग्री प्रदान यहाँ पर की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी अथवा संकुल स्तर पर निजी स्कूलों के प्रचार को व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और इस ग्रुप के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री स्कूलों में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके बाद में स्कूल द्वारा शैक्षणिक सामग्री स्टूडेंट तक पहुंचाई जाएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।